नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं, जो हमारे करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है उसको यहां पर हम कंटिन्यू करेंगे, जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा लाभदायी साबित होगी। साथ ही दोस्तों, इसके पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज चल रहे हैं, जिनके बारे में डिटेल्स में जानकारी आप इन दो नंबर्स पे कॉल करके जान सकते हैं और आप उन्हें ज्वाइन करके उसका महत्तम लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो आइए हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें न्यूज देखेंगे और उसके बाद हम लास्ट में एमसीक्यूज जो डेली करते हैं उसको करेंगे। तो सबसे पहली जो न्यूज है आज की, वो ये है कि एक रिपोर्ट आई है लेड की पॉइजनिंग से रिलेटेड, जिसको रिलीज किया है यूनिसेफ ने और एक आपका एनजीओ है प्योर अर्थ नाम का, दोनों ने मिलकर उसमें एक रिपोर्ट निकाला है। कैसी रिपोर्ट निकाला है? जो आपका लेड होता है, जो शीशा होता है, उस वो टॉक्सिक होता है, हानिकारक होता है, तो उसकी विषाक्तता पर यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें उसके साथ सम्मिलित है उस रिपोर्ट को प्रकाशित करने में, उस रिपोर्ट को प्रकाशित करने में जो एक सम्मिलित एनजीओ है, उसका नाम आप याद रखिएगा, वो आपका है प्योर अर्थ। क्या नाम है उसका? प्योर अर्थ है। और इन्होंने रिपोर्ट निकाली है और उस रिपोर्ट की जो आपकी क्या बोलते हैं कि जब रिपोर्ट निकाला जाता है तो उसमें एक शीर्षक दिया जाता है, और आजकल इनसे भी क्वेश्चन बन जाता है, तो वो जो है आपका शीर्षक उसका कि द टॉक्सिक ट्रुथ चिल्ड्रंस एक्सपोजर टू लेड पॉल्यूशन अंडरमाइंस अ जनरेशन ऑफ पोटेंशियल। मतलब ये कि जो शीशे का प्रदूषण है, जो उसकी विषाक्तता है, उसका सच है कि उसके संपर्क से एक समूची पीढ़ी की क्षमताओं को वो नष्ट कर देता है। कैसे कर देता है? जब हम देखते हैं कि कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो बोला जाता है कि उसको हेल्थ और एजुकेशन दे दिया जाए, उसके बाद उसको स्किल्स दे दिया जाए, तब वो जाके ह्यूमन रिसोर्स में, मानव संसाधन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तब वो राष्ट्र के लिए एक सामाजिक पूंजी, मानव संसाधन के रूप में राष्ट्र के लिए क्या उपयोगी साबित होता है और राष्ट्र के लिए कुछ कर पाता है और स्वयं के लिए भी। अब कोई अगर बच्चा जो है जन्म ले रहा है और उसके शरीर में लेड की विषाक्तता, शीशे की विषाक्तता, तो वो बचपन से ही शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाएगा, तो आगे की जो पूरी श्रृंखला है वो तो बाधित हो जाएगी। उसी से संदर्भित ये शीर्षक यहां पर लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं हम इसको। इसमें लिखा गया है कि अब तक लगभग जो मतलब यही लिखा गया है कि लेड की जो पॉइजनिंग है वो बच्चों को बहुत ही व्यापक, मैसिव और अननोन स्केल पर, मतलब बहुत ज्यादा अज्ञात और व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रही है। बिल्कुल ठीक बात है, ये बिल्कुल नॉर्मल सा यहां पर ये आपका पॉइंट लिखा हुआ है। इसके बाद ये एक डेटा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जब आप लिखते हैं कि पॉल्यूशन के बारे में, एनवायरमेंट वाला कोई भी मेंस का आंसर, तो वहां इसको आप कोट कर सकते हैं कि अराउंड 1 in 3 चिल्ड्रन, मतलब हर 3 में से एक बच्चा, जो कि पूरे विश्व में अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो 800 मिलियन बच्चों की बात की जाए, तो उनमें से हर 3 में से जो एक बच्चा है उसके रक्त में, उसके ब्लड में जो लेवल है किसका, लेड का, शीशे का, वो है आपका 5 जो आपका माइक्रोग्राम है पर डेसीलीटर है। ठीक है, ये एक यूनिट है, इसमें ज्यादा परेशान नहीं होना है, मापक इकाई है ये 5 जो आपका माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर जो है आपका, ये क्या है इसका मतलब मात्रा है कि इतनी मात्रा हर 3 में से एक बच्चे में, 800 मिलियन बच्चों में वैश्विक स्तर पर पाया गया है, और ये जो स्तर है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसमें त्वरित कार्यवाही करना आवश्यक हो जाता है। और इसमें से जो आधी आबादी है इन बच्चों की, वो कहां है आपकी, वो साउथ एशिया में है। कहां है? दक्षिण एशिया में है। ठीक है ना, दक्षिण एशिया में है, थर्ड वर्ल्ड के रूप में आप जानते भी हैं इनको। ठीक है ना, तो जो बाद में जो स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, आप देखेंगे कि साउथ एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे जो राष्ट्र हैं वो द्वितीय, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है आपका, उसके बाद 70 से 80 के दशक तक उनका क्या होता है, उनको स्वतंत्रता प्राप्त होती है, जिसको हम डीकॉलोनाइजेशन के माध्यम से पढ़ते हैं, वी औपनिवेशीकरण के संदर्भ में पढ़ते हैं। ठीक है ना, इसके बाद ये लिखा है कि जो आपका लेड होता है वो पोटेंट जो है न्यूरोटॉक्सिन्स है। न्यूरोटॉक्सिन्स का मतलब क्या?
कि मस्तिष्क से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं, जैसे कॉग्निटिव हो गई है ना, न्यूरोलॉजिकल, जैसे तंत्रिका तंत्र हो गई आपकी, न्यूरोलॉजिकल का मतलब, और कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक है ना, कि समझने बूझने की उसकी जो शक्ति होती है वो छीड़ हो जाती है, कम हो जाती है, शारीरिक विकलांगता होने का भी उनमें खतरा होता है, आजीवन तौर पर यह बात की जाती है, ठीक है। तो ये पोटेंट न्यूरोटॉक्सिन है आपका, जो बच्चों के दिमाग को अपूर्णीय क्षति, अब जब बच्चे का दिमाग जो है वो विकसित ही नहीं होगा, जब वो जन्म लेगा तभी से उसका जो दिमाग है अविकसित अवस्था में रह जाएगा, ठीक है ना, उसका विकास नहीं होगा, तो आगे चलकर उसको जीवन पर्यंत उस साइकिल से निकलने का मौका नहीं मिलेगा, और वो उसके विशकस साइकिल दुष्चक्र में फंस जाएगा, जिसकी संपूर्ण क्षति उसको भी और राष्ट्र को भी झेलनी पड़ेगी, ठीक है ना। और ये विशेषकर जो शीशे का पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, ये 5 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं और बच्चों के लिए बहुत ज्यादा घातक होता है, बहुत ज्यादा हार्मफुल है, ठीक है, क्योंकि वो उनके ब्रेन को ही डैमेज कर देता है उनके विकास होने के पहले ही, मतलब उनका जो मस्तिष्क है बच्चे का वो विकसित होने के पहले ही उसको बहुत ज्यादा हार्म करता है, डैमेज कर देता है, ठीक है ना। तो फिर वही हो जाता है उसमें, ये मैं बता चुका हूं आपको कि कॉग्निटिव और फिजिकल इंपेयरमेंट और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उनको होती है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे, तो ये देखिए ये क्या है कि मतलब शीशे के प्रदूषण से किस तरीके से मानव शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है, वो पॉइंट्स हैं ये। बचपन में अगर लेड की विषाक्तता से कोई संक्रमित हो जाता है तो उसका मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार संबंधी, व्यवहार कहाँ से डिराइव होता है, हैं, आपके न्यूरोलॉजिकल जब कंडीशन ठीक नहीं होगी तो आपका व्यवहार भी जो है, क्योंकि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा बच्चा, तो आगे जाके उसके मानसिक स्वास्थ्य भी खराब होगा और व्यवहार संबंधी होगी, जो आगे चलकर उसको क्राइम और वायलेंस की तरफ भी क्या कर सकता है, ढकेल सकता है। तो ये सब जो है श्रृंखलाबद्ध तरीके से चलता है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो जब बच्चा बड़ा होता है तो मतलब ये तो बिल्कुल यहां पर रिजल्टेंट के रूप में दिखेगा ना, कि उसके बाद जो उनका परिणाम है वो कई तरीके के, जैसे किडनी फेल्योर हो सकता है, इसमें किडनी डैमेज हो सकती है, गुर्दा फेल हो सकता है, और कार्डियोवैस्कुलर जो हृदय रोगों का खतरा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है न्यूरोलॉजिकल के साथ साथ। इसके अलावा आप देखें तो जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें जो मतलब इसका जो दुष्प्रभाव पाया जाता है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ एक्यूमुलेट हुआ जाता हो जाता है, कहाँ संचयित होता है, ये बताया जा रहा है यहाँ पर। तो लिखा है कि मनुष्य की बॉडी में ये ब्रेन में, लीवर में, किडनी और बोन्स में क्या होता है, पाया जाता है ना, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ये, और ये कहाँ पे संचयित होता है, तो आपके टीथ्स और बोन्स में, ये कहाँ मतलब दांतों और हड्डियों में वो जमा हो जाता है एक समय के साथ, एक टाइम बीइंग, जब एक समय बीत जाता है तो एक कुछ समय के बाद वहां पर इकट्ठा होना चालू हो जाता है। और गर्भावस्था, ये सबसे ज्यादा जो एक इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है, अगर कोई भी महिला अगर गर्भावस्था के दौरान अगर शीशे के विषाक्तता से वो ग्रसित होती है तो वो जो उसका प्लेसेंटा का जो मतलब डेवलपमेंट होना चाहिए वो बाधित हो जाता है, तो जो भ्रूण है वो विकसित नहीं हो पाता और अविकसित अवस्था में रह जाता है और उसको खतरा हो सकता है ना, तो उसको खतरा हो सकता है, हो ही जाता है इससे, है ना, मैक्सिमम केसेस में, ठीक है। तो ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है, ठीक है ना, प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए। इसके बाद जो WHO है हमारा, उसने जो 10 मेजर जो हानिकारक केमिकल्स हैं, रसायन हैं, उनमें मतलब शीशे को भी शामिल कर रखा है, लेड को भी शामिल कर रखा है, ठीक है। और उसके साथ ही WHO ने एक प्रोग्राम भी जो है आपका चलाया है, एक ग्लोबल अलायंस के तहत, UNEP का नाम आपने सुना होगा, संयुक्त राष्ट्र जो पर्यावरण कार्यक्रम है आपका, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट जो आपका प्रोग्राम है, उसके साथ इसने एक डी समझौता किया है, एग्रीमेंट किया है कि जो पेंट वगैरह होता है उसमें लेड की मात्रा होती है तो उसको खत्म करने के लिए, ऐसे जो शीशा युक्त पेंट है उनके निर्माण की समाप्ति के लिए उन्होंने वैश्विक गठबंधन किया है UNEP के प्रोग्राम के तहत, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इनके, ठीक है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट न्यूज़ देखेंगे जो आपकी एक स्कीम के बारे में है, तो ये स्कीम है और बिल्कुल कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं इसमें, ठीक है ना।
तो ग्रामोद्योग एक विकास योजना स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है आपकी, है ना? और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत लॉन्च की गई है, तो आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि ग्राम उद्योग मतलब कौन होगी, एमएसएमई है, है ना? एमएसएमई का मतलब क्या है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये आपका ग्रामोद्योग विकास योजना स्टार्ट किया है। उसके अंतर्गत है क्या, जो अगरबत्ती निर्माण में जो अगरबत्तियां वगैरह बनाई जाती हैं उसके उसके संदर्भ में जो संलग्न कारीगर हैं उनके वेलफेयर के लिए ये योजना यहाँ पर लॉन्च की गई है, ठीक है ना? उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको असिस्टेंस सहायता देने के लिए वैसी ये आपकी क्या है योजना है। इसमें क्या है कि आरंभ में इसको पायलट प्रोजेक्ट के तहत स्टार्ट किया गया है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें एक जो पार्ट है चार में से, ठीक है, फोर पायलट प्रोजेक्ट्स मतलब आरंभ में चार पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इनको आरंभ किया जाएगा इस विकास योजना को। और इसमें जो एक इस चार में से जो एक पहलू है वो आपका नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड होगा, नॉर्थ ईस्ट पार्ट से, नॉर्दर्न जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है जो सेवन सिस्टर वगैरह आप लोग बोलते हैं उसको, ठीक है ना? इंडिया के मैप में जो देखेंगे आप वो जो कॉर्नर वाला पार्ट है आपका असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, ये वाला जो एरिया है आपका, ठीक है ना? तो नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट को इसमें इन्वॉल्व किया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पॉइंट आपके लिए, ठीक है? और अच्छा, आप लोग ये जरूर बताइएगा, चलिए मैं ही बता देता हूं कि एमएसएमई जो डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है तो कब किया जाता है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, है ना? डेट सहित जून में किस डेट में है वो, ठीक है? इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट इसमें कि इसमें क्या प्रावधान किया जाएगा, तो इसमें क्या है कि टारगेटेड जो ग्रुप्स होंगे, ठीक है, जो क्लस्टर्स ऑफ आर्टिसंस होते हैं मतलब जो कारीगर होते हैं इस क्षेत्र के, उनके जो समूह होंगे, जो टारगेटेड लक्षित समूह होंगे, उनको सपोर्ट किया जाएगा। तो किस तरीके से सपोर्ट किया जाएगा, तो इसमें जो है 50 जो है स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक आपकी अगरबत्ती बनाने की जो मशीन है उनको वो प्रोवाइड कराई जाएंगी, और 10 जो है मिक्सिंग मशीन है उनको प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है ना? इसके साथ ही जो आपका खादी और ग्रामोद्योग विकास है मतलब जिसको बोला जाता है आपको केवीआईसी, तो इस क्षेत्र में काम करने वाले जो भी मतलब आपके आर्टिसंस हैं, कारीगर हैं, उनको वो क्या करेंगे, प्रशिक्षण भी देंगे और उनको उस क्षेत्र में जो भी ज़रूरत होगी वैसी सहायता भी प्रदान करेंगे, अवेयरनेस भी देंगे, उनको प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। तो ये आपकी योजना थी, बिल्कुल कॉन्टेक्चुअल टॉपिक है, और इसका उद्देश्य क्या है तो वो आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगरबत्ती से रिलेटेड है, तो भैया अगरबत्ती के क्या करना है, उसकी जो उत्पादन है, प्रोडक्टिविटी है, उसको बढ़ाना है, और जो आपके ट्रेडिशनल आर्टिशंस हैं, क्योंकि जो पारंपरिक उद्योग हैं उनको बचाए रखना बहुत ज़रूरी है राष्ट्र के समुचित विकास के लिए, जिस जो आप बात करते हैं कि समावेशी विकास, तो भैया विकास की धारा में सभी को क्या करना है, समावेशित करना है, लाना है। इसीलिए ये पारंपरिक जो भी आपके कारीगर हैं उनकी आय में वृद्धि करना है, और उनको भी ये ग्रोथ का जो आपका सिस्टम चल रहा है उसमें उनको समावेशित करना है, ठीक है ना? तो और क्या करना है कि ये योजना जो है उससे आपको पता है कि अगर ऐसा किया जाएगा, अगर घरेलू जो आपका डोमेस्टिक जो ट्रेडिशनल कोई भी इंडस्ट्री है उसको गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करेगी, तो जो घरेलू आपका अगरबत्ती उद्योग है तो क्या होगा, उसको बढ़ावा मिलेगा, ठीक है? तो उससे उत्पादन में वृद्धि होगी, तो जो हम इम्पोर्ट करते हैं, आयात करते हैं अगरबत्तियों का, इम्पोर्ट करते हैं, वो हमारा कम हो जाएगा, ठीक है? तो जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जो हमारा कैंपेन उसको हम क्या कर पाएंगे, यथार्थ रूप में प्रतिष्ठित कर पाएंगे, ठीक है ना? और रियलिस्टिक लेवल पे उसको ला पाएंगे। और उसके अलावा जब हम इंपोर्ट जो हमारा कम होगा तो हमारी जो इंपोर्ट बिल है वो भी तो ठीक होगा, तो फिर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी ठीक होगा, तो अंततः अल्टीमेटली हमारे देश का जो धन है वो क्या होगा, वो हमारे धन जो है देश का वो बिल्कुल समुचित तरीके से उसका यूज होगा, और जो हमारा इंपोर्ट बिल है वो कम हो जाएगा, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है भुगतान संतुलन हमारा सुधरेगा, ठीक है ना? तो जो वो पैसा बचेगा उसको सरकार किसी और कल्याणकारी योजना में व्यय कर सकती है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ठीक है? तो चलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके बाद ये कि भारत ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले जो उनकी आयात नीति थी उसमें मुक्त व्यापार से प्रतिबंधित व्यापार के लिए अगरबत्ती आइटम को रखा था, मतलब फ्री ट्रेड टू रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड में रखा था इंपोर्ट पॉलिसी के अंतर्गत। इसके बाद अगरबत्ती निर्माण के लिए उसी में, उसी के अंतर्गत, उसी जो आपका
क्या है, आयात नीति है, उसके अंतर्गत इसमें क्या किया था उन्होंने, इंपोर्ट ड्यूटी को 10% से 25% तक बढ़ाया था। किसके लिए, जो इसमें यूज किया जाता है आपका जो गोल आपकी बांस की छड़ होती है ना, वो डंडी टाइप की जो होती है, उसमें आयात शुल्क को वो बढ़ा के उन्होंने 10% से 25% कर दिया था। कभी भी अगर गवर्नमेंट ड्यूटी बढ़ा रही है किसी चीज में, इंपोर्ट ड्यूटी, तो क्यों बढ़ाती है, ताकि वो डोमेस्टिक जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उनको वो क्या कर सके, उनको प्रोत्साहित कर सके, प्रमोट कर सके, और हमारे घरेलू जो भी आर्टिशंस हैं उनके हित में काम कर सके। ठीक है, इसके बाद इसमें देखा जाए तो जो केवीआईसी है आपका, जो ग्रामोद्योग विकास योजना के अंतर्गत जो आपकी खादी ग्रामोद्योग जो विकास योजना है, उसके दो घटकों में से वो एक है ये योजना। तो उसका उद्देश्य क्या है, तो आपको पता है कि बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ें, सामान्य सुविधाओं, तकनीकी मॉडर्नाइजेशन जो है आपकी, है ना, और टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस उनको देना, ट्रेनिंग देना, मॉडर्नाइजेशन करना, तो ये सब चीज़ें ऊपर भी अपन ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो इसके साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हम न्यूज़ देखेंगे ये स्मॉग टावर से रिलेटेड है, ये आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है, और इसमें ये बताया गया है कि स्मॉग टावर क्या है। देखिए, स्मॉग से आपको सीधे समझ में आ गया होगा, ये एनवायरमेंट में आपने पढ़ा भी होगा, है ना, कि स्मोक प्लस फॉग जो होता है, स्मॉग होता है वो। ठीक है, तो वो जो है आपका कि स्मॉग आपने देखा होगा ना, दिल्ली विल्ली में सर्दियों के टाइम पे बड़ी स्थिति खराब हो जाती है। उसका कारण भी दूसरा होता है कि ठंडियों में जो एटमॉस्फियर होता है वो स्थिर हो जाता है, तो हवा का मूवमेंट नहीं होता, तो एटमॉस्फियर के नीचे वाले लेयर में सब एक्युमुलेट हो जाते हैं, वो पीएम पार्टिकल्स के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, तो स्मॉग टावर है क्या, तो उसी के प्यूरिफिकेशन के लिए है, एक तरीके का ये एयर प्यूरिफायर है। ठीक है, और इसको किसी बड़े क्षेत्र में एक टावर के रूप में इसको लगा दिया जाता है, ये एक संरचना है टावर के रूप में, वायु शोधक के रूप में कार्य करता है ये, और लार्ज स्केल एयर प्यूरिफायर है ये। ठीक है ना, इसमें होता क्या है, इसमें कई सारे फिल्टर्स लगे होते हैं, कई परतों में, लेयर्स में फिल्टर्स लगे होते हैं, जो इनके आसपास जहां पर इनको लगा दिया गया, मान लीजिए टावर को, तो उनके आसपास की जो हवा होती है जिसमें फाइन डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जिसको सस्पेंडेड पार्टिकल बोलते हैं, पीएम 2.5 वगैरह आपने सुना होगा, तो वो उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं और वो उसको फिल्टर कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं कि टावर के शीर्ष पे लगे जो पंखे होते हैं वो वातावरण से हवा को खींचकर फिर फिल्टर्स जो होते हैं वो उसको क्या कर देते हैं, वापस से उसको शुद्ध कर देते हैं, शोधित कर देते हैं। ठीक है, तो उसके द्वारा क्या किया जाता है, मतलब एयर का प्यूरिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद जो क्लीन एयर होती है उसको वापस से ग्राउंड में वो रिलीज कर देते हैं। तो ये दरअसल न्यूज़ में आया कैसे था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था लास्ट ईयर कि दिल्ली सरकार दिल्ली गवर्नमेंट को और CPCB, है ना, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है आपका, जो आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, ये किस एक्ट के थ्रू ये बॉडी बनाई गई थी, कैसी बॉडी है ये, है ना, मतलब संवैधानिक बॉडी है कि वैधानिक बॉडी है, किसी एक्ट के थ्रू बनाया गया था, तो कौन सा एक्ट था, वो एयर पॉल्यूशन वाला एक्ट था 80 वाला, कि 74 वाला वाटर पॉल्यूशन एक्ट था, कि 1986 का आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट था, ये सब क्वेश्चंस आप देखते रहा करिए, यही प्रीलिम्स का क्रक्स है, है ना, ऐसे क्वेश्चंस वो पूछ लेते हैं। तो CPCB और दिल्ली गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर बोला था कि भैया दिल्ली जो कैपिटल है हमारी, वहां पर जो पॉल्यूशन का लेवल है बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उसके लिए आप स्मॉग टावर लगाने के लिए एक विस्तृत योजना बनाएं, उसके लिए उन्होंने गाइडलाइन, मतलब एक निर्देश दिया था उनको। ठीक है, इसके बाद फिर जनवरी की बात करें तो मतलब अदालत ने बोला भी, हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, कि प्रायोगिक परियोजना मतलब प्रैक्टिकल तौर पे अप्रैल तक में कम से कम एटलीस्ट 2 स्मॉग टावर लगाए जाने का फिर से वो निर्देश देते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ बहुत ज्यादा उन्नयन नहीं देखा गया, कोई उसमें बहुत ज़्यादा आगे की कार्यवाही नहीं किया सरकार ने। तो हाल के वर्षों में अगर हम देखें तो जो नीदरलैंड है आपका, चाइना है, साउथ कोरिया है आपका, और पोलैंड है तो वहाँ पर ऐसे स्मॉग टावर्स का यूज़ किया जा रहा है एयर प्यूरिफिकेशन के लिए। और इस तरीके का जो आपका टावर है जिसको स्मॉग टावर बोला जा रहा है, तो सबसे पहले 2015 में जो आपका नीदरलैंड है वहाँ पे रॉटरडम है एक जगह, वहाँ पर स्थापित किया गया था 2015 में। और इसमें एक मतलब डेटा इम्पॉर्टेंट है कि ये अपने आसपास के मतलब आसपास की जो हवा है उसके कितना प्यूरिफिकेशन कर पाती, कितनी कैपेसिटी है इसकी, कितनी क्षमता है इसकी, तो 30,000 जो आपका क्यूबिक मीटर है उस हवा को ये फिल्टर कर सकता है। ये भी एक इकाई है, इकाइयों में परेशान नहीं
होना है 30,000 ये क्यूबिक मीटर हवा को फिल्टर कर सकती है, ठीक है। इसके बाद आखिर ये कंडीशन आई क्यों और ऐसा क्यों किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों बोल रही है, तो आपको पता है कि जो पॉल्यूशन का लेवल है वो भारत में बहुत ही चिंताजनक है। बहुत सारे मतलब प्रदेशों में, खासकर कैपिटल रीजन की बात करें NCR की, दिल्ली की, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आपको पता है कि वायु प्रदूषण जो है वो बहुत ही चिंता का विषय रहा है। और 2014 की बात करें तो उसमें दिल्ली को विश्व का सबसे प्रदूषित शहर भी घोषित किया गया था, ठीक है ना। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, है ना, इंडस्ट्री तो है ही है, पॉल्यूशन है आपका, फिर आसपास जो आप वेस्टर्न यूपी और हरियाणा वाला क्षेत्र देख रहे हैं तो वहां पर पराली जलाने की समस्या, तो उससे निपटने के लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे उपाय भी जो है वो अपनाए हैं, जैसे ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स वगैरह आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये न्यूज आपकी यहीं तक थी और इसके बाद अपन नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, ठीक है। इसमें कुछ जो है नेक्स्ट न्यूज जो है आपकी, इसमें मुल्ला पेरियार डैम इशू की बात की गई है। बाकी पॉल्यूशन वाला कभी एनवायरमेंट का कोई अपना प्रोजेक्ट होगा तो कोई वीडियो अपन अपडेट करेंगे, वहाँ बात करेंगे मेंस की, तो वहाँ पर और ब्रीफ में डिस्कस करेंगे इसको कि एयर पॉल्यूशन क्या है, है ना, वाटर पॉल्यूशन क्या है, वो सब देखेंगे। और यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ जो है हमारी मुल्ला पेरियार बांध विवाद से रिलेटेड है, या आपने सुना होगा मुल्ला पेरियार बांध के बारे में, ठीक है। तो ये दरअसल रेफरेंस ऐसा था कि अभी एक जो है एक सज्जन ने, एक निवासी ने वहाँ पर क्या किया है, मुल्ला पेरियार बांध के लिए मतलब उसके पानी के स्तर को, वाटर लेवल जो है उसका, उसको कम करने की मांग की है और उसके लिए एक याचिका लगाई है और सुप्रीम कोर्ट में, और उस सुप्रीम कोर्ट में उस याचिका के संदर्भ में 24 अगस्त को विचार करने का फैसला किया गया है, ठीक है ना, विचार करने का फैसला किया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में था। अब कारण क्या होगा उसका, कि आपको पता है कि जैसे आपका मतलब अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पर पानी जो है किसी भी बांध में क्षमता से अधिक हो जाता है तो भूकंप और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का, नेचुरल डिजास्टर्स का, जो मैन मेड डिजास्टर्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है एक तरीके से, क्योंकि जो प्राकृतिक जो घटनाएं हैं अब वो मानव की जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, उसके अत्यधिक दोहन मतलब उसका इरेशनल यूज करने के कारण ही इन सब का सामना अभी प्रकृति के प्रकोपों का सामना मनुष्य को करना पड़ रहा है, आप देख रहे हैं, है ना, अभी भी। तो अभी क्या है कि इसमें इसीलिए उन्होंने ये याचिका लगाई है कि भैया इसका जो एक लेवल है वो, एक पानी का लेवल है डैम का, वो एक लेवल तक उसको रखा जाए, कम रखा जाए, वरना जो है आपका 6 रिक्टर स्केल जो होती है मापक, जो मतलब जिसके थ्रू अपन मापते हैं कि कितनी मतलब कितना मतलब इंटेंसिटी में, देखिए मर्कली स्केल और रिक्टर स्केल होता है, तो रिक्टर स्केल में अगर 5 से ऊपर की इंटेंसिटी का अगर कोई भी अगर आएगा आपका भूकंप तो वो बहुत ज़्यादा डिजास्ट्रस हो सकता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर इसमें इसके पानी की क्षमता अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ 6 रिक्टर स्केल तक का भूकंप आ सकता है, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि देख लेते हैं अपन कि मतलब इसमें क्या है और क्या समस्या है तमिलनाडु और केरला को लेके। तो दरअसल इसमें हुआ क्या था कि पृष्ठभूमि देखें तो कुछ समय पहले अगर देखें अपन तो केरल का जो आपका इडुक्की जिला है, एक ठीक है, इडुक्की जिला है आपका, ठीक है, इडुक्की में एक जो वहाँ के रहवासी हैं उन्होंने उच्चतम न्यायालय में मुल्ला पेरियार जो बांध है उसके जल स्तर को 130 फीट जो है आपका तक कम करने के लिए याचिका दायर की थी। और उन्होंने बोला था कि राज्य में जो मानसून है उसके जारी होने के कारण क्षेत्र में भूकंप और बाढ़ आ सकता है, वही बात किया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि मतलब अगर यहाँ पे देखें कुछ इम्पॉर्टेंट इसके अगर अपन तथ्य देखें कि इसकी हिस्ट्री में जाएं अगर कि मुल्ला पेरियार बांध में क्या स्थिति थी, कैसे कैसे ये विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो आपको पता है कि ये जो मुल्ला पेरियार आपका बांध है वो केरला में अवस्थित है, ठीक है, और केरला में अवस्थित हो और 1886 में जब हमारा भारत जो था वो उपनिवेश था ब्रिटिशर्स का, तो त्रावणकोर के जो आपके महाराजा थे और भारत के जो राज्य सचिव थे, ठीक है ना, तो उनके मध्य मतलब सिंचाई कार्यों के लिए, पेरियार सिंचाई कार्यों के लिए 999 वर्षों के लिए एक क्या किया गया था, लीज साइन की गई थी, एक तरीके का एक एग्रीमेंट किया गया था, ठीक है। और उसका मतलब लीज पे साइन करने के बाद जो इसका ऑपरेशन किया जा रहा था, मतलब ऑपरेशनल काम जो किया जा रहा था, परिचालन जो किया जा रहा था, फंक्शन जो किया जा रहा था, वो तमिलनाडु के द्वारा किया जा रहा था, ठीक है ना। तो इसके बाद अगर अपन देखें तो 1887 से लेके 1895 के मध्य इसका निर्माण किया गया, इस बांध का
था आपका, ठीक है, मुल्ला पेरियार बांध। और इस बांध से किया क्या गया कि जो आपकी अरब सागर की तरफ बहने वाली नदी थी उसकी धारा को मोड़कर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित किया गया, क्योंकि जो मद्रास प्रेसिडेंसी में आपका मदुरई वाला इलाका है वो एरिड जोन है, शुष्क वर्षा का क्षेत्र है, तो उसके लिए फिर सिंचाई वगैरह के लिए वहां पानी उपलब्ध कराना था, इसलिए ऐसी व्यवस्था किया गया था। और ये जो बांध है आपका केरल के इडुक्की जिले में, जो मुल्लायार और पेरियार दो नदियां हैं आपकी, ठीक है ना, मुल्लायार और पेरियार, यहां पर वैगई वगैरह भी है, तो उनके संगम पर ये स्थित है। अब इसमें विवाद जो है वो कैसे आ गया आपका, तो आप देखेंगे कि इसमें अगर विवाद की बात करें तो ये जो विवाद आपका स्टार्ट होता है, तो इसमें हुआ क्या था कि 1970 में ये जो आपका मतलब तमिलनाडु और जो केरला था इनके बीच में जो एग्रीमेंट था उसको फिर वो क्या करते हैं, मतलब फिर से उसको संशोधित करते हैं, उसको नवीनीकृत करते हैं, और उसके बाद फिर बांध की भूमि और पानी के अधिकार तो पहले से मिले ही हुए थे, फिर बांध स्थल पर जो आपकी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, है ना, तो उसको भी विकसित करने का अधिकार किसको दे दिया गया, तमिलनाडु को दे दिया गया, और इसके बदले में फिर एक निश्चित राशि जो थी तमिलनाडु केरला को पे करता था। लेकिन फिर आपने मतलब देखा होगा, एक न्यूज़ सुना होगा कि 1979 में एक साधारण सा भूकंप आया और उसके कारण फिर जो मुल्ला पेरियार जो आपका बांध है वहां पर दरारें पड़ गई, ठीक है, तो इसके बाद जो है पहली बार विवाद जो है स्टार्ट हुआ तमिलनाडु और केरला में, कब, 1979 में, ठीक है। इसके बाद फिर भारत सरकार के अधीन आपको पता है कि सेंट्रल वाटर कमीशन है जो आपका केंद्रीय जल आयोग, उसने फिर इसका अध्ययन किया बांध का, और इसने बांध के लिए जो एक मतलब सेफेस्ट जो मतलब संग्रहित करने का, वहां पर संचयित करने का, उनको कलेक्ट करने का कि भैया कितना पानी यहां एक्युमुलेट करके रखा जा सकता है, पानी का कितना लेवल होना चाहिए, तो उन्होंने बोला था कि यहां पर पानी का लेवल जो है 142 फीट से घटाकर 136 फीट कम, मतलब 136 फीट तक करने की अपनी एक सिफारिश की थी, रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है। और उसके बाद यह बोला गया था कि सुनिश्चित उपायों को जब तक मतलब एक रैशनल जब तक वहां पर मेजर्स उठाए जाने के बाद ही जो तमिलनाडु आपका गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इस बांध को जो उसकी पूर्ण क्षमता है जो इस बांध की वो 152 है तो वहां तक बढ़ाया जा सकता है। अब इसमें दोनों का पक्ष देखेंगे तो भैया जो मतलब ये बोलते हैं, देखिए यहां पर वही लिखा हुआ है कि साइंटिस्ट ने बोला है कि इस क्षेत्र में रिक्टर पैमाने पे 6 से ऊपर तक के भूकंप आने की संभावना है और उससे लगभग जो है आपके 3 मिलियंस बिलियन तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वो ये आपका जो है 3 मिलियंस जो पीपल्स हैं वहां के वो उसके प्रभाव में और गंभीर खतरे में पड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप देखेंगे तो दोनों का अगर पक्ष देखेंगे ना, तमिलनाडु और केरला का, तो केरल बोलता है कि भैया जो बांध है अगर इसमें किसी भी तरीके की स्थिति खराब होती, भूकंप आता है, बाढ़ आता है, तो भूकंप जो प्रवण जिले हैं, है ना, जो वहां पर प्रवण जिले हैं मतलब भूकंप से प्रभावित होने वाले जो क्षेत्र हैं उनकी आबादी, वहां के जन धन की क्या हो सकती है, हानि हो सकती है ना। और उसके अलावा तमिलनाडु को कहना है कि भैया हम बांध को मजबूत कर चुके हैं, सारे सेफ्टी मेजर्स ले चुके हैं और हमारे यहाँ सेमी एरिड रीजन है तो हमको पानी की ज़रूरत है ना, और यहाँ पर जो केरला गवर्नमेंट है आपकी वो हमारे क्या कर रही है, हमारे जलाशय के जल स्तर को बढ़ाने के जो प्रयास हैं उसमें अवरोध उत्पन्न कर रही है, इससे क्या हो रहा है कि जो मदुरई रीजन के जो किसान हैं उनको नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। तो ये दोनों के बीच में विवाद चल रहा है। देखिए आपको पता कि महाराष्ट्र में वो जो कोयना डैम है आपका, है ना, कोयना नदी वाला जो आपका डैम है वहां पर भी भूकंप आ चुका है, तो वो भी आप पढ़ के रखिएगा। ये सब केस स्टडी होती है, हम एग्जांपल के तौर पे अपने मेंस की आंसर राइटिंग में इसको यूज करते हैं। इसमें कुछ आपके जजमेंट भी आए हुए थे सुप्रीम कोर्ट्स के, ठीक है, उसमें जैसे 2014 में जो आपका न्यायालय है उसके द्वारा जो केरल का वही सिंचाई और जल संरक्षण अधिनियम था 2003 उसको, उस संशोधन को असंवैधानिक करार दे दिए गए थे, असंवैधानिक बोल दिया था। और वो था क्या, 2003 में जो आपका अधिनियम लाया गया था उसमें यह बोला गया था कि मुल्ला पेरियार बांध का जो आपका अधिकतम जल स्तर है वो 136 फीट होना चाहिए, फिर उसी को वो निरसित कर देगा सुप्रीम कोर्ट 2014 में, तो इसके कारण यहां पर विवाद बना हुआ है। जबकि 2006 को आप देखेंगे तो वही सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भैया तमिलनाडु को इस बांध में जल स्तर 142 फीट तक बनाए रखने की क्या है, बनाए रखने की एक मतलब उनको दिया जाता है ऐसी छूट कि वो यहां 140
2 फीट तक बढ़ाकर जल स्तर को मेंटेन कर सकते हैं, उसके लिए वो वैधानिक कानूनी मंजूरी प्रदान किए थे। अच्छा, अब ये सब जो विवाद है, चाहे वो रिवर्स को लेकर हो, है ना, आपने देखा होगा कि रेगुलर रहता है हमारे यहाँ नदियों के बीच में, राज्यों के बीच में विवाद है, ठीक है ना, उसके अलावा इस तरीके का बांध का, वो भी जल को लेकर है, तो इसका जो सोल्यूशन है क्या है, इसके लिए जो है कॉपरेशन की जरूरत है, ठीक है। इसमें क्या है, राज्यों के बीच में सहयोग और समन्वय, जिसको बोलते हैं ना हम सहकारिता, या जो सहकारी वाद की बात करते हैं उसमें, तो उसमें केंद्र राज्य की बात करते हैं जिस तरीके से, तो केंद्र राज्य और राज्य के बीच जो है आपका, वो उनके बीच में समन्वय, उनके बीच में सहयोग जब तक नहीं होगा तब तक इसका तार्किक समाधान नहीं किया जा सकेगा, ठीक है ना। तो इसके साथ ही ये आज की लास्ट न्यूज थी। अब हम अपना एमसीक्यूज देखते हैं और एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। जो सबसे पहला हमारा यहां पर क्वेश्चन है, यह आपका है, देश के इतिहास में फर्स्ट ऑफ अगस्त को मुस्लिम वुमेन राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना। विवाहों पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम है उसकी जो पहली वर्षगांठ के रूप में दर्ज किया गया है, इसीलिए इसको मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में दर्ज किया गया है, जो 2019 को एक साल हो गया, इसलिए उसकी पहली वर्षगांठ के रूप में दर्ज किया गया है और इसीलिए मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो आपको पता है कि ट्रिपल तलाक वाला जो बिल था वो पास हुआ था, इसलिए फर्स्ट ऑफ अगस्त को ये मनाया जाता है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में। तो पहला तो आपका बिल्कुल ठीक हो गया स्टेटमेंट। दूसरा देखिए, आप दूसरे में लिखा है कि द एक्ट मेक्स ऑल डिक्लेरेशन ऑफ तलाक इंक्लूडिंग इन रिटन और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म टू बी वॉइड, है ना। Is that not enforceable in law and illegal? मतलब अधिनियम जो है लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में तलाक के सभी घोषणा को शून्य बना देता है। ये ट्रिपल तलाक के संदर्भ में बात हो रही है, ठीक है, तो इसलिए इसका दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। तीसरा ये कि जो आपका स्टेटमेंट है कि ट्रिपल तलाक है उसको अनुच्छेद 14, बिल्कुल सही बात है, आर्टिकल 14 द राइट टू इक्वालिटी वहां पर वायलेट हो रही थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने ग्राउंड रखा था और इसको मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने शाह बानो मामले से 2017 में शायरा बानो मामले के लिए रखा है, ठीक है ना। तो ये मतलब इक्वालिटी से रिलेटेड है, तो बिल्कुल सही बात है, ये जो मुद्दा उठा था शाह बानो से उठा था। दरअसल अभी मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री भी इसकी बता देता हूं, तो ये स्टेटमेंट भी आपका ठीक है। और लास्ट जो स्टेटमेंट है कि आर्टिकल 25 जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, वो गारंटी करता है, आपको पता है कि राइट टू रिलीजन, है ना, मतलब राइट जो आपका फंडामेंटल राइट्स है उसके अंतर्गत ही तो है, धार्मिक मतलब जो स्वतंत्रता दी गई है उसके आचरण और व्यवहार की प्रचार की गारंटी देता है, है ना, और अन्य सभी मौलिक अधिकारों की तरह ये प्रतिबंधों के अधीन है और धार्मिक प्रथाओं की रक्षा नहीं करता और जो नागरिकों के कल्याण को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। मतलब क्या कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, उससे समझिएगा आप, वहां से पंथ निरपेक्षता का जो कॉन्सेप्ट है वो निकल के आ रहा है सेक्युलरिज्म का, कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, यही तो पृथक्करण था जो प्राचीन काल मध्यकालीन व्यवस्था में था। तो उदारवादी व्यवस्था जब लिबरल थॉट्स आए तो यही तो आया कि राज्य धर्म अलग होगा, ठीक है ना, और राज्य किसी धर्म को प्रमोट नहीं करेगा और हर व्यक्ति को वो उसका पर्सनल डोमेन है कि वो अपने धार्मिक जो है वो आचरण व्यवहार को बनाए रख सकता है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका ठीक है, सारे के सारे स्टेटमेंट सही है इसमें, इसलिए इसका आंसर आपका ऑल हो जाएगा। थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं अपन कि ये शाह बानो और ये सब क्या मुद्दा था। तो सबसे पहले ये जो आपका यहां पर पर्सनल लॉ और सीआरपीसी को लेके जो सबसे पहला यहां पर केस आता है आपका, वो शाह बानो का केस आता है ना, 1986 का है, सॉरी 1986 का है, 96 कहां, फिर तो आपका 86 में दूसरा भी आ जाएगा, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट, फिर उसके बाद डेनियल लतीफी। तो सबसे पहले जो शाह बानो का केस आता है उसमें यह है कि जैसे एक मिनिमम मेंटेनेंस दिया जाता है तलाक के बाद, तो इसमें क्या है मुस्लिम्स में मतलब यह होता है कि जो रूल है कि 90 दिन तक का टाइम होता है, 90 दिन तक तभी तक मेंटेनेंस दिया जाएगा, उसके बाद नहीं दिया जाएगा तलाक के बाद वाइफ को। तो ये मुद्दा उठा वहां पर, सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको मतलब हस्तक्षेप भी किया था और बोला कि ये तो क्रिमिनल जो आपका लॉ है उसके अंतर्गत आएगा, तो आपको यहां पर भत्ता देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका खामियाजा फिर राजीव गांधी गवर्नमेंट को भी देखना पड़ता है और उसके बाद फिर नेक्स्ट फिर एक आ जाता है आपका बिल, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसके तो ये दोनों जो था, जो आपका शाह बानो और मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट,
इसमें मेनली जो बात थी वो कंपनसेशन की बात की गई थी। उसके बाद डेनियल लतीफी केस, इन्हीं के एक मतलब वकील हैं वो, इन्हीं के एडवोकेट थे, और डेनियल लतीफी का जो केस आता है 2001, तो वो भी जो है कंपनसेशन से रिलेटेड, ये तीनों। अब इसके बाद जो मुद्दा चालू होता है ट्रिपल तलाक का, वो आपका शमी मारा एक केस है आपका, कौन सा, शमी मारा केस है 2003 का, ठीक है, इसमें ट्रिपल तलाक का मुद्दा आता है, ठीक है। और उसके बाद जो शायरा बानो जी का केस है जो आपका 2017 है, जिसके बाद फिर लास्ट ईयर इसको मतलब क्या किया गया, असंवैधानिक करार दे दिया गया ट्रिपल तलाक को, ठीक है। तो इसमें जो मुद्दे थे, मतलब आपका जो शायरा बानो है उसमें, देखिए शमीम आरा में सबसे पहली बार ट्रिपल तलाक का मुद्दा उठा, और उसके बाद फिर शायरा बानो में आप आके देखेंगे तो इसमें ट्रिपल तलाक भी था, उसमें पॉलीगैमी भी थी मतलब बहुविवाह, और निकाह हलाला की भी बात थी। ट्रिपल तलाक होता क्या है, दरअसल इसमें दो चीजें होती हैं, एक है आपका तलाक उल बिद्दत होती है, तलाक उल बिद्दत है आपका, ठीक है, और बी दत्त है वो, और उसके बाद एक तलाक उल सुन्नत है, सुन्नत है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो तलाक उल बिदत है इसमें एक ही बात में जैसे तलाक 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 बोल दिया गया तो वो मान लिया जाता है कि तलाक हो चुका, इसी को बैन किया गया। उसके अलावा जो दूसरा आपका सुन्नत, इसमें टाइम मिलता है और ये इस्लाम में एक्सेप्टेबल है। और देखिए जैसे आवेश में आकर एकदम से आपने केसेस सुने होंगे कि फ़ोन में ही तलाक 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 बोल दी, तो भैया उस समय मानसिक स्थिति दूसरी होती, तो सुन्नत का मतलब इसलिए रखा गया था कि कुछ वक्त मिल जाए ताकि वो तार्किक रूप से निर्णय ले सके, इसलिए ये जो सुन्नत वाला पार्ट था वो एक्सेप्टेबल था। तो ये जो है आपकी क्या है ये कि पूरी की पूरी इसकी क्या बोलते हैं इसको पूरी हिस्ट्री है आपकी ट्रिपल तलाक की, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। और शाह बानो केस में ये पर्सनल लॉ और क्रिमिनल लॉ के बीच में क्या था, क्लैश हो रहा था, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर बोला कि भैया ये पर्सनल लॉ नहीं क्रिमिनल लॉ हो जाएगा, कैसे आप भत्ता नहीं देंगे, ठीक है। और जब जुडिशरी ज़्यादा हस्तक्षेप करती है न्यायपालिका के, मतलब जुडिशरी जो है न्यायपालिका जब ज़्यादा हस्तक्षेप करती है इस तरीके के, है ना, कि पर्सनल इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के जो आपके आवश्यक धार्मिक जो आचरण है वो तो ठीक है कि वो लिखा हुआ है, लेकिन वो क्या क्या होंगे अगर वो भी व्याख्यान करने लगती है, तो हमेशा एक वर्ड सुनने को मिलेगा आपको, जुडिशियो पैपिज्म बोला जाता है उसको, पैपिज्म बोला जाता है, और ये पोप वर्ड से उद्भव हुआ है, मतलब जब न्यायपालिका धर्म के विषय में ज्यादा हस्तक्षेप करने लग जाती है, ठीक है, तो कि मतलब कौन सा आचरण सही है कौन सा नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें भी स्टेटमेंट्स हैं और बताना है हमको कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो आपका ठीक है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो ये लिखा हुआ है कि जो इकोसोक है आपका, इकोसोक के बारे में है, इसमें मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सका, मतलब पूछा जा चुका है मेंस में, तो 2017 के मेंस में यूपीएससी में शायद पूछा गया था इकोसोक में। और ये जो क्वेश्चन है आपका यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप के लिए है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो इकोसोक है इसको 1947 में स्थापित किया गया था, इसे वर्ष, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1947 बाय द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक्स एंड जो आपका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, तो यह आर्थिक और जो आपका सामाजिक क्षेत्र है उसमें कार्यरत एक संस्था है। ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल कॉन्टेक्चुअल है, ठीक है। दूसरा ये कि इसके 5 रीजनल कमीशंस हैं, ठीक है, यूएन के, और मतलब ये जो 5 जो रीजनल कमीशंस है यूनाइटेड नेशंस के उसी में से ये एक है, ये भी ठीक है। उसके अलावा जो आपका यूएनईसीई है जो आपका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, उसके अतिरिक्त जो आप ये देख रहे हैं यूएनईसीई मतलब यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप है, ठीक है, तो वो उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। एक तो 5 क्षेत्रीय आयोगों में से एक है, रीजनल लेवल पे काम करने के लिए ऐसे निकाय कमीशंस बनाता है यूएन, तो यूरोप वगैरह में ये काम करने के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया क्षेत्रीय इकाई, तो इसका उद्देश्य क्या है, तो बोलते हैं कि जो पैन यूरोपियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मतलब संपूर्ण यूरोपीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है, नाम से ही समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो जो तीसरा स्टेटमेंट है कि इसमें यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया के 56 देश सम्मिलित हैं, किसमें, ये जो आपका ये यूरोपियन इकोनॉमिक जो आपका ये ऑर्गेनाइजेशन है आपका उसके अंतर्गत ये बात किया जा रहा है, ठीक है ना, यूएनईसीई यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप जो है उसमें कितने देशों के सदस्य हैं, तो लगभग 56 सदस्य देश हैं, इसमें यूरोप भी है, इसमें नॉर्थ अमेरिका भी है और एशिया भी है, इनके मतलब जो राष्ट्र हैं वो सम्मिलित हैं लगभग 56, तो ये भी स्टेटमेंट आपका ठीक है। लास्ट जो आपका स्टेटमेंट है कि 70 इंटरनेशनल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा एंड अदर एनजीओज
टेक पार्ट इन UNECE एक्टिविटीज। तो ठीक बात है, इसमें ये भी एक कंटेक्चुअल जानकारी है, सारे के सारे स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक हैं और ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, और इसका भी जो आंसर है आपका वो डी हो जाएगा। ऐसी संस्थाओं से क्वेश्चंस उठ जाते हैं प्रीलिम्स वगैरह में, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पुट किया गया है, बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, मतलब आज का MCQ का, और इसमें यंग एक साइंटिस्ट अवार्ड है उसके बारे में अपने को क्या करना है, बताना है कि क्या सही है और क्या नहीं सही है इसके बारे में। तो पहला ये कि जो आपका ये अवार्ड है, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक होगी, यहाँ दो अवार्ड के बारे में क्वेश्चन है, एक है आपका स्कॉच अवार्ड है, स्कॉच गोल्ड अवार्ड बोला जाता है, और आपका एक यंग साइंटिस्ट अवार्ड है, ठीक है ना। तो उसके बारे में दो क्वेश्चन हैं और उनके बारे में मैं मतलब बता देता हूं आपको। ये पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं, इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन ये है, स्कॉच गोल्ड के बारे में आपको सही स्टेटमेंट बताना है। तो पहला ये कि ये किसके द्वारा दिया जाता है ये अवार्ड है जो है आपका, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल मतलब जो अफेयर्स है आपका, जनजाति मंत्रालय उसके द्वारा, जनजाति कार्य मंत्रालय उसके द्वारा दिया जाता है ये, ठीक है। और ये क्यों, मतलब क्यों दिया जाता है, फॉर इट्स एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल थ्रू IT इनेबल्ड स्कॉलरशिप स्कीम प्रोजेक्ट, बिल्कुल ठीक है पहला वाला स्टेटमेंट आपका। दूसरा जो है आपका, इसमें स्टेटमेंट देखेंगे कि ये पुरस्कार जो है आपका वो भारत को बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त जो प्रयास करने वाले व्यक्तियों, परियोजनाओं और संस्थाओं को दिया जाता है, संस्थाओं को दिया जाता है, ये भी ठीक है, ये जो दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा अगर अपन देखें तो ये जो आपका अवार्ड है ये 2003 में इस्टेब्लिश किया गया था, है ना, और ये हाइएस्ट सिविलियन ऑनर है, ठीक है, मतलब ये हाइएस्ट सिविलियन ऑनर है ऑफ द कंट्री बिस्टोव्ड बाय एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसी भी स्वतंत्र संगठन के द्वारा दिया जाने वाला एक देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो फैक्ट है इसका, स्कॉच गोल्ड अवार्ड का, ठीक है ना। और मतलब जनजाति से रिलेटेड है ST से, तो आपको ये वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। लास्ट जो स्टेटमेंट है आपका, इसमें लिखा गया है कि ये जो है आपका अवार्ड ये किस किस एरियाज में दिया जाता है, तो ये आपका डिजिटल, फाइनेंशियल, सोशल इंक्लूजन, गवर्नेंस, इंक्लूसिव ग्रोथ, एक्सेलेंस इन टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस, चेंज मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट लीडरशिप, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, है ना, सिटीजन सर्विस डिलीवरी, कैपेसिटी बिल्डिंग एम्पावरमेंट, और इस तरीके के और भी जो क्षेत्रक हैं उनके लिए इसको दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट इसमें भी बिल्कुल ठीक हैं और ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, और इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, डी में सब दिया गया है, ठीक है। एक जो और है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये यंग साइंटिस्ट अवार्ड है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि बिल्कुल छोटी सी दो लाइन कंटेक्चुअल जानकारी है कि ये जो यंग साइंटिस्ट अवार्ड है, अवार्ड के बारे में होता क्या है कि कौन सी संस्था देती है, तो ये जो यंग साइंटिस्ट अवार्ड है वो CSIR देती है आपकी, जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्री रिसर्च है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा दिया जाता है। और अगर भाई CSIR दे रही तो किसको दे रही होगी, साइंटिस्ट को ही दे रही होगी, ठीक है। तो जो विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस में, इंस्टीट्यूशंस में काम करने वाले वैज्ञानिक हैं उनको बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, ठीक है, पृथ्वी और वायुमंडल, महासागर और भूमंडलीय विज्ञान जो होता है, इंजीनियरिंग वगैरह में, फिजिक्स वगैरह में, उनकी उपलब्धि के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। और इस पुरस्कार में लगभग 50,000 का नगद पुरस्कार दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है वो यही था, ठीक है। तो उसके बारे में मैंने आपको जानकारी बता दिया है यहाँ पर। तो इसके साथ आज का हमारा ये जो वीडियो है वो समाप्त होता है। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। आप लोग जल्दी से सेलेक्ट होकर हमको कमेंट करके बताइए, हमारे लिए वही मोटिवेशन भी है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।